लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। वे 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 को अपनी मृत्यु तक लगभग 18 महीने भारत के प्रधानमंत्री रहे। इस प्रमुख पद पर उनका कार्यकाल अद्वितीय रहा। भारत की आज़ादी के पश्चात शास्त्री जी को उत्तर प्रदेश के संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। गोविंद बल्लभ पंत के मंत्रिमंडल में उन्हें पुलिस एवं परिवहन मंत्रालय सौंपा गया। परिवहन मंत्री के कार्यकाल में उन्होंने पहली बार महिला कंडक्टरों की नियुक्ति की। पुलिस मंत्री होने के बाद उन्होंने भीड़ को नियंत्रण में रखने के लिए लाठी की जगह पानी की बौछार का प्रयोग शुरू किया। 1951 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव नियुक्त किए गए। उनकी सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 1904 में मुगल सराय उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव था। वे एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे और इसी कारण उन्हें मुंशी जी भी कहा जाता था। बाद में उन्होंने राजस्व विभाग में क्लर्क की नौकरी कर ली। परिवार में सबसे छोटा होने के कारण बालक लाल बहादुर को परिवार वाले प्यार से नन्हे कहकर बुलाया करते थे। जब नन्हे 18 महीने का हुआ, दुर्भाग्य से पिता का निधन हो गया। उनकी माँ राम दुलारी अपने पिता हजारीलाल के घर मिर्जापुर चली गई। कुछ समय बाद उनके नाना भी नहीं रहे। बिना पिता के बालक नन्हे की परवरिश करने में उसके मौसा रघुनाथ प्रसाद ने उसकी माँ का बहुत साथ दिया। ननिहाल में रहते हुए उसने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद की शिक्षा हरिश्चंद्र हाई स्कूल और काशी विद्यापीठ में हुई। काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि मिलने के बाद उन्होंने अपने नाम में से श्रीवास्तव को हमेशा के लिए हटा लिया और अपने नाम के साथ शास्त्री लगा दिया। इसके बाद शास्त्री शब्द लाल बहादुर के नाम का पर्याय ही बन गया। स्वाधीनता संग्राम के जिन आंदोलनों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, उनमें 1921 का असहयोग आंदोलन, 1930 का डांडी मार्च तथा 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन उल्लेखनीय है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के साथ युद्ध विराम पर हस्ताक्षर करने के कुछ घंटे बाद ही 11 जनवरी 1966 की रात देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद ही उसी रात हो गई थी। मृत्यु का कारण हार्ट अटैक बताया गया। शास्त्री जी की अंत्येष्टि पूरे राजकीय सम्मान के साथ शांतिवन नेहरू जी की समाधि के सामने यमुना किनारे की गई। उस स्थल को विजय घाट नाम दिया गया। जब तक कांग्रेस संसदीय दल ने इंदिरा गांधी को शास्त्री जी का विधिवत उत्तराधिकारी नहीं चुन लिया, तब तक गुलजारीलाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे।